सफेद पोशों की निगरानी में सरकारी मशीनरी को किस कदर भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है उसकी वानगी एक बार फिर बुधवार को उस वक्त देखने को मिली जब जिला पंचायत द्वारा निर्मित लछेड़ा गांव का नाला बारिश के पानी में बह गया। हैरत इस बात की है कि इस सीमेंटेड नाले के निर्माण में 16 लाख रुपए की लागत आई थी। दरअसल हाल ही में जिला पंचायत सदस्य सचिन करानिया की निधि से 16 लाख रुपए की लागत से गांव लछेड़ा में आरसीसी सीमेंटेड नाले का निर्माण हुआ था। चार दिन पूर्व यानी 16 जुलाई को नाले का शिलान्यास किया गया था। 20 जुलाई यानी बुधवार को जैसे ही मौसम ने अंगड़ाई ली और झमाझम बारिश शुरू हुई वैसे ही इस नाले की हालत पतली होने लगी और देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा नाला टूटकर बरसात में पानी में बह गया। महज चार दिन के अंदर इस तरह से नाले का टूट जाना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि नाले के निर्माण में मानक के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। अजी यहाँ से सब रेता रेता लगा रखा है, सीमेंट लगाया ही नहीं, सारा टूट कर नाला नीचे जा लिया। कब बना था यो? अभी तो बना था जी, 15 दिन 20 दिन ये होंगे जी। समझ सीमेंट तो लगाई नहीं, रेता रोडी लगा रखी, सरिया भी छेदा छेदा गिर रखा, यो पाली बरसात होती टूट कर नीचे गिर पड़ा, देख लो। अब ये अभी यहाँ नाला बंदा था जी, जिला पंचायत के सदस्य की तो इसमें देखो कुछ भी नहीं, रेता रोडी जुट्टा मुट्टा सीमेंट लगाएगा अपना बांध के चले गए। ये नाला सारा टूट गया पहली बारिश में ही, अभी बंदा था 10-15 दिन पहले। मंत्री जी का पत्थर लग रहा है यहाँ पे, ये ठेकेदार ऐसे काम कर रहे, मंत्री जी भी बदनाम होंगे, योगी जी भी बदनाम है, इसमें सब बदनाम है, ये सारा टूट गया। विकास कार्य ना दिए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों के निशाने पर रहने वाली मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के इस कारनामे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ नाले की शिलापट्टी पर दर्ज केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाण की भूमिका को लेकर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं।